नमस्कार दोस्तों, एग्जाम सारथी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरएस प्री 2018 के रिजल्ट्स के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता था कि आरएस प्री 2018 का रिजल्ट सितंबर के फर्स्ट वीक में आना था, लेकिन आरपीएससी ने अपने जो प्रोग्राम में है वो थोड़ा सा चेंज किया। सरकारी दबाव के चलते हुए आरपीएससी ने कैलेंडर जारी कर दिया है। फर्स्ट ग्रेड, सेकेंड ग्रेड, आरएस मेन तक का भी उन्होंने एग्ज़ाम डेट घोषित कर दी है। और जैसा कि पहले से खबर थी कि सितंबर के फर्स्ट वीक में रिजल्ट आना है, तो आज फर्स्ट वीक का आखिरी दिन है, तो आज रिजल्ट आने की पूरी संभावना है। साथ ही ये खबर भी आ रही है कि 4 से 5 क्वेश्चंस डिलीट होंगे, एक क्वेश्चन पहले ही डिलीट हो गया। तो जब वो क्वेश्चंस डिलीट होंगे तो उनकी जगह जो है क्वेश्चंस का जो मार्क्स है, तो प्रत्येक क्वेश्चन के मार्क्स में अंक भार जो है वो बढ़ा दिया जाएगा, वेटेज जो है वो बढ़ा दिया जाएगा। तो अगर ये अंक बाहर बढ़ता है तो कट ऑफ में कितना परिवर्तन आएगा, तो इस चीज़ की हम चर्चा करेंगे। हम ये मान के चल रहे हैं कि 5 क्वेश्चंस जो है वो डिलीट होंगे, एक पहले हो चुका है, 4 और होंगे, तो ओवरऑल 5 क्वेश्चंस डिलीट होंगे। तो इस चीज़ को अगर ध्यान में रखते हुए कट ऑफ की अगर बात करें, एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करें, तो उसमें आंशिक संशोधन हम कर सकते हैं। कि हमने कट ऑफ बताई थी हमारी एक्सपेक्टेड कट ऑफ, जिसमें आप देख सकते हैं, आपने पहले भी देखा होगा वो वीडियो, ये तो पुरानी कट ऑफ है, 2016 का जो आर एस प्री था उसकी कट ऑफ है। ये वाली जो कट ऑफ है ये 2018 के लिए हमने एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताई थी आपको, जिसमें जनरल की हमने कट ऑफ बताई थी मेल के लिए 65 to 68, फीमेल के लिए 56 to 58। तो आंशिक परिवर्तन क्या हो सकता है, तो दोस्तों हमारे हिसाब से अगर वेटेज जो है बढ़ता है तो बहुत सारा उसमें फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थियों के जो है जो क्वेश्चंस जो उनके सही थे वो डिलीट हो जाएंगे, कईयों के जो गलत थे फिर भी वो डिलीट हो जाएंगे। तो डिलीट होने वालों में कुछ अभ्यर्थियों के तो वो राइट होंगे और कुछ के वो रॉन्ग होंगे। तो इसका जो हल्का सा एक फ़र्क पड़ सकता है, वो फ़र्क ये पड़ सकता है, ये हमारी एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, बाकी ऑफिशियल कट ऑफ आने में आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। तो हमारी जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है इसमें ये है कि जो हाईएस्ट कट ऑफ हमने रखी है जनरल की 68, तो 68.5 तक ये जा सकती है, 68.5 तक। इसी तरीके से अगर ओबीसी की बात करें तो ये 67 हमने बताई थी, 64 to 67, तो आप ये मान के चले जनरल ओबीसी की लगभग बराबर रहेगी, उनमें 0.5 से कम का ही फ़र्क रहेगा। मीन्स कि अगर जनरल की कट ऑफ रहती है 68, तो ओबीसी की कट ऑफ जो है वो 67.5 या 67.6 या 67.7 ऐसे रहेगी, और एसबीसी की भी लगभग कट ऑफ रहती है ओबीसी के समान, यानी थोड़ी सी कम रहेगी। लगभग कम इसलिए रहेगी कि एसबीसी को थोड़ा सा बेनिफिट रहता है, तो इसमें 67.2 या 67 के आसपास रहने वाली है। ये हम हाईएस्ट कट ऑफ की बात कर रहे हैं, जो हमारी रेंज में जो हाईएस्ट कट ऑफ है 68, वैसे हमने रेंज बताई है 65 to 68। इसी तरीके से अगर 80 की बात करें तो 57 to 59, तो इसको आप 0.5 यानी 59.5 तक आप बढ़ा सकते हैं। उसी तरीके से एसटी के लिए आप इसको 60 to 61 है, इसको 0.5 आप बढ़ा सकते हैं। यही सारा फॉर्मूला फीमेल्स के लिए लग जाएगा हर कैटेगरी में। तो दोस्तों ये हमारी एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, जिसमें हमने आंशिक संशोधन किया है जो पहले हमने बता रहे थे, क्योंकि अगर वेटेज बढ़ता है तो हल्का सा इसमें चेंज आ सकता है, 0.5 का हम ये संशोधन ले रहे हैं। तो दोस्तों आज रिजल्ट आने की पूरी संभावना है, और जैसे कि संभावना है कि आज पूरे दिन में कभी भी आ सकता है, ज़्यादा संभावना है ये है कि शाम को 4 से 5 बजे के आसपास रिजल्ट आपको देखने को मिले। तो ऑल द बेस्ट रिजल्ट्स के लिए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।